चीज तो दूसरी है क्योंकि जब मैं बैचलर फर्स्ट ईयर में थी मैं मतलब मैं 6-7 साल पुरानी बात बोल रही हूँ कि जब से मैं आर्ट फील्ड में एंटर किया बैचलर में एंटर किया तब से मैं खुद से ही अर्न करती हूँ ठीक है क्योंकि फिनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं होता है तो वीकेंड्स में मैं कुछ टीचिंग करती थी वहाँ से अर्न होता था और वही सारा एक्सपेंस बहुत सारा खर्चा में मेरे मटेरियल और जो भी है ये पूरा फाइन आर्ट और जो भी मेरा फाइन आर्ट का जो स्टडी है 6-7 साल का वो कम्प्लीट किया मैंने दैट्स ग्रेट तो तुम्हारा तो स्ट्रगल है ही नहीं तुम्हारा तो ट्रेनिंग ही चल रहा है तुम तो शुरू से ही कलाकार बननी शुरू हो गई हो शुरू से ही खड़ा होना शुरू हो गई हो ठीक है ना चार्जेस हमेशा ही ज्यादा होंगे आपको लगेगा कि ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है अगर ये एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होंगे हमें वो उसको कमाने की लालसा भी नहीं होगी जब कमाने की लालसा खत्म हो जाती है ना मुझे तो अपनी पेंटिंग बेचनी नहीं है मत बेचो फिर रो भी मत की बिकनी रही है हमें लालसा होनी चाहिए कि हम इसको बेचना चाहते हैं इस कीमत पर बेचना चाहते हैं तभी वो टारगेट को अचीव करोगे अंदर की आग ही बुझा दी कि मुझे तो बेचना नहीं है मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा मुझे ऐसा ही रहना है देन बी विद इट देन डोंट कंप्लेन उस चीज के बारे में ठीक है सो वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आल्सो व्हेन आई सिट विद यू नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं है नहीं नहीं आर्ट की जर्नी में कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं सिर्फ वो है कि अपनी तरफ से एग्जीबिशन करने के लिए थोड़ा लेट हो गया मैं लेकिन अभी सब सेट है लेट नहीं हुए मैंने भी नहीं थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन व्हाट्स योर एज 38 दो साल रह गए तुम्हारे पास नहीं वो तो मुझे ऐसा लगा था कि 30 नहीं वो तो रॉकेट होना है ना दो साल में इकोनॉमी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी और दो साल में आपके आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स दिस इज द स्टेटमेंट आप में से इकोनॉमिक टाइम्स कौन पढ़ता है इंडिया टुडे के आर्टिकल्स कौन पढ़ता है प्रेजेंट डे करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ के आर्टिकल्स कौन कौन पढ़ता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट इस समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है कौन सा जो बिजनेस हाउस है इसको कॉन्टैक्ट करके कौन सी होटल कंपनी इतनी बड़ी बन रही है कि हम उसके साथ में जाके जुड़े मेरा स्टडी चालू है पिछले 2 महीने से कर लो भाई थोड़े 6 महीनों में स्टडी कर लो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी 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 नॉलेज होनी शुरू होनी चाहिए इसी बात पर मैं थोड़ा सा कल आपको मैडम कहोगे ना मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी तो मुझे एक चीज है कि जो गैलरी ने मुझे शो ऑफर किया था प्रोजेक्ट 988 तो वो शो में मुझे लगा था कि बस अब तो मैं लगता थी बन गया लेकिन वैसा हुआ नहीं कुछ पेंटिंग सेल हुए थोड़े बहुत और सेल हुए और जब उन्होंने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने बोला कि पेंटिंग लेके जाओ तो थोड़ा सा ऐसा लगा रही यार बस तो होना चाहिए था लेकिन जब पेंटिंग रिटर्न आया घर में और जब मैंने उन्हें सब ओपन किया अच्छा हुआ सेल नहीं हुआ अब इसकी कीमत और बढ़ाऊंगा मैं नाइस सो यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स टिल नाउ नहीं मैं अर्निंग के लिए अपना सेपरेट चीज रखा हूं तो उससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है तभी शांत बैठो मैं तो मैम अभी जॉब करता हूँ मैम कहो मैं उठ जाना प्लीज सॉरी तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉब कर रहा हूँ मुझे आर्ट से कमाना है और बहुत कमाना है और मुझे लगता है क्योंकि मतलब अच्छा है मेरा काम ठीक है लेकिन अभी तक वैसी आपको समय की प्रॉब्लम पड़ रही है ना तो समय की प्रॉब्लम तो वेट कर रहा हूँ हाँ मतलब समय को एक्सपैंड करना पड़ेगा उस चीज़ में और वही प्रॉब्लम हर अल्टरनेट अर्निंग वाले के साथ आएगी ही आएगी वो उसी तरह से है कि हमको फैमिली के साथ रहकर काम करना है या फैमिली से जुदा रह के काम करना है सन्यासी बन जाएंगे तो सारे के सारे हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन हमको मोह है माया है तो उसमें तो चलेगा ही चलेगा सब कुछ ठीक है आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस ऑल्सो